केंद्र सरकार ने वीवीआईपी प्रथा खत्म करने के लिए सरकारी वाहनों से नीली और लाल बत्तियां के हटाए अधिकारियों ने अपनी गाड़ियों पर ही अपने पदनाम लिखना शुरू कर दिए। कांगड़ा जिला में प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां मोटर वाहन नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रही है। दूसरों को नियमों का पालन करने का संदेश देने वाले अधिकारी ही नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। नियमों के मुताबिक गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखा जा सकता, जबकि जिला कांगड़ा में अधिकारियों पर इन नियमों का असर दिखता नजर नहीं आ रहा है। कांगड़ा के प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकारी वाहनों से नीली बत्तियां तो उतार ली, लेकिन अभी भी वीवीआईपी कल्चर का मोह नहीं छूट पाया है। बत्तियां हटाने के बाद अब कांगड़ा के उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों ने अपने वाहनों पर लगी नंबर प्लेट के साथ अपने पदनाम भी लिखा लिए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की देखा देखी में अन्य अधिकारियों ने भी नंबर प्लेट के साथ अपने पदनाम लिखना शुरू कर दिए हैं। हालांकि जिला पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारियों ने नियम की पूरी तरह पालना की है। जब इस बारे में पुलिस अधीक्षक कांगड़ा संतोष पटियाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के अलावा कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। उन्होंने बताया कि जिले में लोगों को मोटर वाहन नियमों के बारे में समय समय पर जागरूक किया जा रहा है। नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं और अगर कोई नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है तो उसके खिलाफ भी अब सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वो अपनी गाड़ियों पे जो है अपनी डेजिग्नेशन के पट्टे लगा के चलते हैं, इस दिशा में पुलिस क्या कार्रवाई करती है? ये देखिए, जो रेड लाइट और ब्लू लाइट के संबंध में तो पहले निर्देश मिल चुके हैं और सारी हटा दी गई हैं। जो एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन को छोड़ के एक्स्ट्रा कोई फटे होंगे जैसे आप बता रहे हैं उनको देखते हैं, उनके खिलाफ जो है जो भी व्यक्ति होगा, क्योंकि अभी मोटर व्हीकल एक्ट में या सरकार के निर्देश में ये चीज नहीं है लगाने की, तो ऐसा कुछ होगा तो उसके खिलाफ उनके खिलाफ एज पर मोटर व्हीकल एक्ट कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर।